हमारे पूरे देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जिसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने इतनी कड़ी टिप्पणी की, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आपकी सरकार नपुंसक है, महाराष्ट्र की सरकार नपुंसक है जो हेट स्पीच पे एक्शन नहीं ले पा रहे। सरकार ही नहीं, सरकार की जो मुखिया है वो खुद का आत्मविश्वास खो चुके हैं, इसलिए उन्हें गोंडा के सांसद चाहिए। व्याभिचारी, भ्रष्टाचारी, ये तमाम लोगों के लिए बीजेपी में इसलिए जगह हो गई है क्योंकि उन्हें चुनाव जीतना है, उनकी अपनी औकात नहीं रही कि वो चुनाव जीतवाए। रामायण जलाने वाली, रावण की पूजा करने वाली आपकी उम्मीदवार है तो फिर स्टालिन को सवाल पूछने का नैतिक अधिकार आपके पास नहीं है। यदि अजित पवार आपकी सरकार के साथ उप मुख्यमंत्री है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का नैतिक अधिकार आपके पास नहीं है। यदि गोंडा का सांसद आपके साथ है तो फिर आपका नैतिक अधिकार नहीं कि तुम व्याभिचार या महिला शक्ति, महिला वंदन जैसे शब्द कहो। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति के खास कार्यक्रम वीकेंड विद वांगखेड़े में। भारतीय जनता पार्टी का किस तरह से सूपड़ा साफ हो सकता है, इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ फिर एक बार मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अशोक वांगखेड़े जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। रमेश भिदूरी का बयान आता है जिसे इतना छोटा हम सोच ही नहीं सकते कि ये कोई बहुत छोटा मुद्दा है। भाजपा सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती, उन्हें चुनावी प्रचार में लगा देते हैं। इस तरह के ऐसे ही बीजेपी का या मोदी जी का कह लें कि एक एंटी माइनॉरिटी फेस बन चुका है और शायद पहले से बना हुआ है, और इसमें भिदूरी का भाषण जिस पर तमाम विदेशी अखबार लिखना शुरू कर चुके हैं, कई तरह के आर्टिकल्स सामने आए हैं, और इसकी पूरी तरह से जिम्मेदारी जो है मोदी सरकार को दी गई। रमेश भिदूरी का बयान मुस्लिम सांसद के खिलाफ, उसके बाद आरएसएस का बयान आता है। आरएसएस कहता है कि हम लोग लव जिहाद के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। लखनऊ में मोहन भागवत का ये बयान है। मोदी जी जयपुर में कहते हैं कि विपक्ष का जो गठबंधन बना है वो सनातन विरोधी है। तो क्या 2024 का चुनाव भी वही इक्का इस बार भी भारतीय जनता पार्टी फेंकेगी, हिंदू मुसलमान या? मैं आपको दो तीन चीज़ों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। कल डॉक्टर प्रकाश आंबेडकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली महाराष्ट्र में, और उन्होंने कहा कि 2023 और 2024 के चुनाव जो है ये अराजकता के चुनाव होंगे, और दिवाली के बाद इस देश में भयानक रूप से अराजकता का माहौल होगा, हिंदू मुसलमान होगा। ये उनका स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी पूछ रही है कब है दिवाली, ये उन्होंने उस शोले फिल्म के डायलॉग से उठाया जहाँ गब्बर को जब पता पड़ता है कि उनके लोगों को मारा जा रहा है और रामगढ़ पे उसको हमला बोलना होता है, तब वो बोलता है होली, कब है होली, और उसके बाद तुरंत तो होली के रंग वो गाना होता है, फिर इसका हमला और फाइटिंग, वो पिक्चर सभी ने देखी होगी। वैसा ही दिवाली का सब इंतज़ार कर रहे हैं। दिवाली के बाद ये वातावरण और ख़राब होगा क्योंकि भाजपा के तरकश में और कोई तीर नहीं बचा। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से हर्ड इम्यूनिटी हुई है विपक्ष को। अब ईडी से कोई डर नहीं रहा है। बघेल ने कहा कल नहीं आज जेल में डाल दो। अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि नहीं जाऊंगा मैं समन्स आने पे भी, मैं तो जाऊंगा मेरे प्रोटेस्ट में, आपको जो करना सो कर लो। हेमंत 5 बार समन्स मिलने के बाद भी नहीं गए। शरद पवार ने तो बहुत पहले ही फ्रंट खोल दिया था, जब उन्हें नोटिस मिला तो एक दिन पहले ही पहुंच गए थे। उन्होंने कहा कि भाई चुनाव के टाइम पे मुझे रैलीज में जाना हो, तुमको जो पूछना है मुझे पूछिए, मैं आज ही आ रहा हूँ। उनके इस आज आने वाली धमकी से पूरा प्रदेश हिल गया। लाखों की तादाद में लोग मुंबई में इकट्ठा हो गए। मुंबई पुलिस सारे डीजीपी से लेकर मुंबई कमिश्नर तक शरद पवार जी के चरणों में लेट गए कि मेरे आका निकलो मत घर से, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगा मुंबई जैसे शहर में। ईडी वालों ने हाथ पर जोड़ के बोल दिए कि सर आपको बुलाएंगे ही नहीं, आप माफ़ हो गया, बोले नोटिस वापस करते हैं, आप चिंता मत करो। तो ये हर्ड इम्यूनिटी सबको हो गई है, अब इससे डरेंगे नहीं। अब ये हेट स्पीच क्यों, इसके सिवा बीजेपी के पास क्या है? हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अब हेट स्पीच का जो रमेश भिदूरी ने कहा, ये एक डिजाइन के तरह है, ये अब बात प्रूव हो गई है। क्योंकि जब भिदूरी बोल रहे थे तो रविशंकर प्रसाद और हमारे दिल्ली के डॉक्टर साहब जोर जोर से ठहाके लगा रहे थे ये सुन के, क्योंकि उनको लग रहा था कि सही तरीके से जा रहे हैं। तब भी हमने कहा था, मैंने कई प्रोग्राम्स में कहा था कि इसका एक इनाम भिदूरी को मिल सकता है, वो मंत्री भी बनाए जा सकते हैं, वो अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, उन्हें कोई
काम, बड़ा ओहदा दिया जा सकता है, तो उन्हें टोंक भेजा गया है। वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी भी है, ये स्वयं गुज्जर है तो वो गुज्जर है, वहाँ सचिन पायलट चुनाव लड़ते हैं तो उन्होंने गुज्जर का काट करके भेजा, और खूब मुसलमानों को गाली देंगे वो और हिंदुओं को इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे। ये एक डिजाइन के तहत हो रहा है, लेकिन क्या 143 करोड़ का ये देश इस डिजाइन के ट्रैप में आ रहा है? कर्नाटक में भी ये प्रयास हुआ, कर्नाटक तो नहीं आया, जबकि कर्नाटक में तो मुस्लिम क्षेत्र है, वहां तो कर्नाटक तो वो दक्षिण भारत की लेबोरेटरी थी हिंदुत्व की, हिजाब, झटका, हलाल, ये सब वहीं से उत्पन्न हुआ था। लेकिन मुंबई कर्नाटक का जो बहुत कड़वे हिंदुत्व वाला है, वहां पे भी बागलकोट जैसी सीट भी यदि कर्नाटक में हारती है बीजेपी, तो ये बीजेपी के लिए पहला पॉइंटर था कि आप हिंदू मुसलमान करो, लोग मानेंगे नहीं आपकी बात, लोगों की मूलभूत प्रश्न होते हैं उसका सवाल पहले पूछेंगे। अभी राजस्थान में करने का प्रयास कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र में हो रहा है वहां भी हेड स्पीच लगातार हो रहे हैं, वहां रिजर्वेशन का भी चल रहा है, मराठों को कुणबी बोलते हमारे में नहीं आना चाहिए, धनगर बोलते हमको रिजर्वेशन चाहिए। तो प्रकाश आंबेडकर ने यह भी कहा कि ये जो रिजर्वेशन के झगड़े चल रहे हैं ये भी इस अराजकता में तड़का लगाएंगे। तो उन्होंने अपील की कि मैं सभी मतदाताओं को अपील करता हूं कि इस तमाम झगड़े और दंगों के बीच में आप शांति बनाए रखिए, आप इस ट्रैप में मत आइए। अब हिंदू में एक रिपोर्ट छपी, और हिंदू की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट कुछ चीज़ों को प्रोजेक्ट करती है। हिंदू की रिपोर्ट में एक उन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल है हिंदू वॉच, ऑनलाइन हेट ट्रैकिंग पोर्टल जो हेट स्पीच का है, हिंदू है ना, हिंदू वॉच। 2023 के पहले 6 महीनों का उन्होंने पूरे देश का एक ऑडिट किया, करीब करीब 250 सभाएं हुई हैं जिस सभाओं में मुसलमान के खिलाफ नफरत फैलाने के भाषण दिए गए। अब इन 250 में से 70% सभाएं भाजपा शासित राज्यों में हुई है, 70% सभाएं वहां हुई है जहां 2023 में और 24 में चुनाव होने जा रहे हैं। तो चुनाव के पहले माहौल गर्म करने का पहला अटेम्प्ट है 70% सभाएं 250 में से। ये जो 255 घटनाएं उन्होंने कुछ ट्रैक की, उसमें से 205 80% भाजपा शासित और केंद्र शासित प्रदेश यदि जोड़े तो उनमें है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में सबसे अधिक थे। कर्नाटक में तो तब चुनाव हो नहीं, क्या चल ही रहा था तब की बात है। महाराष्ट्र में 29% घटनाएं, टोटल घटनाओं में से 29% घटनाएं महाराष्ट्र में है। कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में 20 से अधिक हेड स्पीच की सभाएं हुई हैं। इसमें सिर्फ राजस्थान ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस की सरकार है, लेकिन राजस्थान में हेड स्पीच के मामले जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो सरप्राइजिंग है, एनालिस्ट जो डेटा एनालिस्ट है उनके लिए भी, हेड स्पीच के 5% मामले, कुल मामलों के 5% मामले उत्तराखंड में है, जबकि पूरे देश की आबादी का 1% हिस्सा उत्तराखंड में है, क्योंकि हरिद्वार वहां आता है। और ये धर्म संसदों के नाम से जो तीर्थ क्षेत्रों में ये जो सभाएं ली जाती है यहां से हेड स्पीच की जाती है। अब ये हेड स्पीच में होता क्या है, डाटा ये कहता है 33% स्पीचेस में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा के लिए उसकाया जाता है, 12% में तो सीधे हथियार उठा के उनका कत्ल करने का आह्वान होता है, 4% ऐसे भी वक्तव्य है दुर्भाग्य से जहां मुस्लिम महिलाओं के प्रति अत्याचार करने के लिए उसकाया जाता है, दुर्भाग्य है ये देश का। 52% सभाएं VHP, बजरंग दल, सकल हिंदू समाज और RSS के आउटफिट ने ली है, ये डाटा कहता है। अब महाराष्ट्र में हेड स्पीच के जब मामले बढ़े, क्योंकि महाराष्ट्र में जब सरकार महाविकास आघाड़ी की सरकार टूटी, शिवसेना तोड़ी गई, उसके बाद अभी NCP भी टूटी, इस टूट के बावजूद सरकार तो बीजेपी ने बना ली, लेकिन बीजेपी ने अपना खुद का जनाधार भी खोया, ये लगातार सर्वे से, उपचुनाव के नतीजों से और लोकल बॉडीज के, मंडी चुनाव के जो नतीजे हैं
इससे पोता पड़ गया। सरकार इतनी डरी हुई है, बीजेपी इतनी डरी हुई है कि मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, नागपुर, ठाणे, पुणे, ये जो बड़े बड़े कॉरपोरेशन है, इनके चुनाव कई सालों से टल रहे हैं। सरकार चाहे तो चुनाव कर सकती है, लेकिन सरकार चुनाव करने में डर रही है क्योंकि चुनाव हाथ से निकल जाएगा। पूरे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में अराजकता की बात है। बीच में जो हेट स्पीच के मामले उठे थे, मुझे लगता है कि देश आज़ाद होने से आज तक इस 75 सालों में हमारे पूरे देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जिसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने इतनी कड़ी टिप्पणी की। उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आपकी सरकार नपुंसक है, महाराष्ट्र की सरकार नपुंसक है जो हेट स्पीच पे एक्शन नहीं ले पा रही है। इससे ज्यादा कड़ी टिप्पणी किसी सरकार के प्रति कम से कम मैंने तो मेरे लाइफ स्पैन में कभी नहीं सुनी, जब से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं। तो इतना होने के बावजूद हेट स्पीच क्यों? क्यों किसी महिला, मुस्लिम महिला बलात्कारी के लोग जेल से छोड़े जाते हैं और बाद में उनका बड़ा स्वागत होता है? आपको मणि त्रिपाठी जैसे लोग क्यों चाहिए? महिलाओं के खिलाफ व्यभिचार करने वाले लोग संसद में क्यों बैठे हैं? क्योंकि ये तमाम चीज़ें आपको इसलिए चाहिए क्योंकि वो लोग आपको चुनाव जितवा सकते हैं। ऐसी आपके पास आपकी खुद की कैलकुलेशन है। गोंडा का सांसद पे एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि शायद उसके वजह से 3-4 सीटें इंपैक्ट हो गई है। तो आप ये मानिए ना, मोदी जी को स्वयं को अपने चेहरे पे विश्वास रहा है और सरकार ने विकास का काम तो कुछ किया ही नहीं सिवाय मंदिर और मंदिर बनवाने के। मध्य प्रदेश में भी यही काम हुआ है, सिर्फ मंदिर ही मंदिर बने हैं। तो ये जो तमाम चीजें हैं ये इस बात को इंडिकेट करती है कि सरकार ही नहीं, सरकार की जो मुखिया है वो खुद का आत्मविश्वास खो चुके हैं। इसीलिए उन्हें गोंडा के सांसद चाहिए। व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, ये तमाम लोगों के लिए बीजेपी में इसलिए जगह हो गई है क्योंकि उन्हें चुनाव जीतना है, उनकी अपनी औकात नहीं रही कि वो चुनाव जीतवाए। छिंदवाड़ा में सनातन धर्म के खिलाफ जिंदगी भर लड़ने वाली उस महिला को यदि आप टिकट देते हैं तो फिर आपको ये बोलने का अधिकार नहीं कि स्टालिन सनातन धर्म को क्यों गाली देता है। रामायण जलाने वाली, रावण की पूजा करने वाली आपकी उम्मीदवार है तो फिर स्टालिन को सवाल पूछने का नैतिक अधिकार आपके पास नहीं है। यदि अजित पवार आपके सरकार के साथ उप मुख्यमंत्री है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का नैतिक अधिकार आपके पास नहीं है। यदि गोंडा का सांसद आपके साथ है तो फिर आपका नैतिक अधिकार नहीं कि तुम व्यभिचार या महिला शक्ति, महिला वंदन जैसे शब्द कहो। यदि विधुड़ी टोंक में इंचार्ज बन के जाता है तो फिर सबका साथ, सबका विकास और यहाँ के मुसलमानों का डीएनए हमारा है, भारतीय है और मुसलमान हमारे देश का अंग है। जब ये संघ चालक बोलते हैं तो अब हंसी आने लगती है क्योंकि आपके दिखाने के दांत एक है और खाने के दांत एक है। जनता दिखाने के दांत तो इतने सालों से सुन रही थी, आप जब बोलते हो तो वो दांत दिखते हैं और जब आपका क्रियान्वयन होता है तो आपके खाने के दांत दिखते हैं, इसलिए जनता आगाह हुई है। यही कारण है कि कर्नाटक में तमाम हिंदू कार्ड खोलने के बाद भी हिंदुत्व की लेबोरेटरी जिस राज्य को आप कह रहे थे वही आपका हिंदुत्व का कार्ड फेल हुआ। इसका मतलब इस देश के लोग आज भी गंगा जमुना तहजीब में विश्वास रखते हैं, आज भी लोग इस देश के मुसलमानों का अपना एक अभिन्न हिस्सा मानते हैं। मेरा आखिरी और एकदम छोटा सा सवाल होगा कि 2024 चुनाव में मोदी जी के लिए कौन सी दो बड़ी चुनौती है जो जिनका सामना उन्होंने 2014 और 2019 में नहीं किया आपके हिसाब से? मोदी जी को स्वयं का गिरता हुआ ब्रांड, ये सबसे बड़ी चुनौती। दूसरी बात, संगठन पे जो उनकी पकड़ ढीली हुई, ये दूसरी चुनौती है। विपक्ष तो अपना काम करता रहता है, मैं इंडिया को चुनौती नहीं मानता। मोदी जी स्वयं की गलतियों से ही निपटेंगे। इंडिया गठबंधन, यदि मोदी जी ने काम किया होता, मोदी जी का संगठन ठीक होता, मोदी जी में जो जमीन से जुड़े हुए नेता मोदी जी से जुड़े हुए होते तो इंडिया गठबंधन कितना भी जोर मारता मोदी जी को सत्ता से नहीं निकाल पाता। मोदी जी यदि सत्ता से बाहर जाएंगे तो अपने गलतियों से जाएंगे, उसमें मोदी है तो मुमकिन है। ये जो भाटचरण
धोने वाले जो लोग आसपास है उन्होंने मोदी जी का दिमाग खराब कर दिया और वो लगातार कर रहे हैं, उनसे मोदी जी को छुटकारा लेना होगा। यथार्थ के धरातल पे क्या है ये देखकर उन तमाम क्षेत्रों के सामने मोदी जी को नतमस्तक होना पड़ेगा। जब तक मोदी जी का रथ तभी चल सकता है जब मोदी जी के रथ को विभिन्न क्षेत्र के क्षेत्रों के घोड़े हो। मोदी जी गुजरात के खच्चरों के भरोसे विजय रथ नहीं चला सकते, ये उतना ही सच है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।